खरगोन में स्वामी विवेकानंद सभागृह में शहर में रविवार को उपद्रव से प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी गई। सांसद गजेंद्र पटेल ने सर्वे सूची अनुसार एक एक प्रभावितों को बुलाकर उनसे चर्चा की, उसके बाद राहत सामग्री प्रदान की गई। यह राहत सामग्री NTPC द्वारा उपलब्ध कराई गई है। राहत सामग्री में किराना सामान के अलावा घर गृहस्थी की सामग्री जैसे बर्तन और कपड़े भी बांटे। SDM कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 122 प्रभावितों को सामग्री प्रदान की गई। इस दौरान पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन, रंजीत दंडीर, कल्याण अग्रवाल और NTPC के मुख्य जनरल मैनेजर कनौजिया उपस्थित रहे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। फिर प्रभावितों को इसमें जो है किट बांटे गए, आपके द्वारा किस प्रकार की अभी सहायता दी जा रही है? पहली बात तो दंगे के कारण बहुत सारे परिवार प्रभावित होते हैं, परिवार के सदस्य प्रभावित होते हैं, उनके जीवन की जो गाड़ी है वो भी प्रभावित होती है। और इसलिए जिस प्रकार से घटनाक्रम के बाद में हमारे कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनके क्षति भी हुई है, आर्थिक नुकसान भी हुआ है, घरों का नुकसान भी हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने भी 1 करोड़ का पैकेज उनको तत्काल राहत देने के लिए दिया था, जिसका वितरण हमने हमारे पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों के द्वारा किया गया। उसके बाद एक ट्रिब्यूनल आया है जिसके द्वारा उसमें सामग्री जली है, कुछ लूटपाट हुई है, सामग्री का अत्यधिक नुकसान हुआ है, उसका भी सर्वे चल रहा है, उसमें भी उनको लाभ दिया जाएगा। हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हमने NTPC जो हमारा केंद्रीय गवर्नमेंट का उपक्रम है, पिछली बार हमने कोरोना में उनसे 2 करोड़ रुपये की सहायता राशि ली थी, इस बार भी हमने उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने NTPC के GM ने हमारे ऐसे सभी पीड़ित परिवारों को उनको बर्तन, उनके कपड़े और उनको अनाज, इस प्रकार का एक 18 लाख रुपए तक का एक पैकेज उन्होंने बनाया है, जिसके कारण से हमारे सभी परिवारों को कुछ ना कुछ उनको मदद मिल जाए, और उसी का वितरण हम लोगों ने किया था। और निश्चित तौर पर इस प्रकार के वितरण से उनके पारिवारिक जो अभी सभी दिनचर्या बंद है, कोई काम पे नहीं जा पा रहा है, रोजगार अभी बिल्कुल बंद है, उन लोगों का मकान क्षतिग्रस्त है, तो कैसे भी मदद हो जाए उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समग्र हिंदू समाज ने भी उनको जो भी वस्तुएं उनको मिल सकती है वो देने का प्रयास किया है। हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी देने का प्रयास किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कुछ सामग्री उनको वितरित की है, तो पूरा समाज कहन के इस प्रकार से दंगे से प्रभावित लोगों को कुछ ना कुछ वितरण कर रहा है, जिससे उनका जीवन व्यवस्थित बन पाए। अभी शामिल करना चाहेंगे जिस प्रकार से आगामी त्यौहार है, मुझे लगता है कि दंगे से जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। विगत हम देख रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर आज हम 1 तारीख पे हैं, करीब 21 दिन इस कर्फ्यू को हो गए हैं, एक लंबा अंतराल हुआ है, छूट जरूर मिली है तो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली, फिर भी कहीं ना कहीं दंगे कारण डर का माहौल, आक्रोश का माहौल, कार्रवाई को लेकर भी आक्रोश, जिन पे कार्रवाई हुई है उनको भी असंतोष, ऐसे कई प्रकार की चीज़ें निकल कर आती हैं। और मैं आपके माध्यम से खरगोन की जनता से यही आह्वान करता हूँ कि खरगोन जो नगरों के मन शहर है, जहाँ पर माता रानी का स्थान भी है, तो यहाँ के लोग शांतिप्रिय और अच्छे लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र का खरगोन शहर शांतिप्रिय रहे, जनता अपने जीवन के रूप में अनुरूप काम करना शुरू करें। मैं जिन लोगों ने, जिनके जिन परिवारों के युवाओं ने पत्थरबाजी करी, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार की गतिविधि न हो, क्योंकि इसकी क्रिया की प्रतिक्रियाएँ होती है, और इसलिए उससे Subscribe now to most exciting channel ever.